बालोद शहर के एक निजी आईटीआई में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर उद्घाटन सत्र में प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हुए कहा कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जिसे भूपेश बघेल सदियों तक याद करेगा। असम में भेजे थे उसके पार्टी के लिए मैंने कहा कि 24x7 की पार्टी है, 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। देश प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थिति रोज बदल रही है कि एक तरफ मोदी जी भारत के सर्वश्रेष्ठ नेता बन रहे हैं और एक तरफ छत्तीसगढ़ है जो शोषण और लूट की भूमि बनी हुई है कांग्रेस की। मोदी जी की बातों को लोगों को अवगत करवा और एक तरफ वो लड़ाई हो जिसे भूपेश सदैव याद रखे, कांग्रेस याद रखे। आगे मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री ने भूपेश बघेल के ऊपर निशाना साधा और कहा कि कोरिया में जो नगरी निकाय चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की गई है वह भूपेश गुट की एक साजिश है, क्योंकि वहां पर टीएस सिंहदेव चुनाव के प्रभारी थे। मैंने कल कहा था जो कांग्रेस का भूपेश गुट है उनने कोरिया में क्रॉस वोटिंग जानबूझ के की है कि वहाँ के जो प्रभारी थे वो टीएस सिंहदेव की। वैसे ही आज कह रहा हूँ हो सकता है कि वो उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में पूछताछ की हो और नाम को ओमिक्रॉन का हो गया। दानवीर साहू, ईटीवी भारत, बालोद।